बरेली के बसंतपुर गांव में एक लड़की को पाने के लिए दो परिवारों के बीच होड़ लगी और हद तो तब हो गई जब पंचायत ने प्रोफेसर सुनाने के नाम पर पीड़ित लड़की की कीमत 20,000 रूपये लगा दी। बरेली के बसंतपुर गांव में जुटी पंचायत ने एक 14 साल की नाबालिग की कीमत 20,000 रूपये तय की। दरअसल बिहार की रहने वाली इस लड़की का सौदा इसकी ही बहन और जीजा ने किया था। बिहार से यूपी पहुंचने के बीच वो 4 बार बिक चुकी थी और इस बार 20,000 रूपये में इस पीड़ित लड़की को बसंतपुर गांव के अंतराम ने खरीदा था। एक दिन किसी तरह लड़की अंतराम के घर से भाग निकली और पहुंच गई गौटिया गांव। यहाँ शिवचरण नाम के एक शख्स ने इसे अपने घर में पनाह दी और जब अंतराम को इसकी खबर लगी तो उसने पंचायत बुलवाई और फिर पंचायत ने अपना फरमान क्या सुनाया आप भी सुनिए। माँ बहन पैसे लेके गई है यहाँ से, उसको लड़की को हमारे गांव में करके गई थी, उस लड़का को यानी कि देखी। हाँ तो सर जी, जब पैसे लिए हैं तो बेच के ही गई है, कोई ऐसे थोड़े ही। वो तो समय रहते पुलिस पहुंच गई और इस मासूम की आबरू नीलाम होने से बच गई। अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। उसके बाद जैसे उसके पिता मिले उसकी पेरेंट्स की काउंसिलिंग, जैसे कि वहाँ का प्रोसीजर है, अगर वो नाबालिग निकली तो उसको सीधे उसी में दिया, अगर बालिग होंगी तो फिर वो अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकते। पुलिस के दखल और अपनी इच्छा से लड़की शिवचरण के घर में है और शिवचरण भी उसका रिश्ता अपने बेटे के साथ करवाना चाहता है, लेकिन ऐसे में लड़की की बहन और जीजा के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, जिन्होंने लड़की के आबरू को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर उस पंचायत का क्या जिसने मासूम की कीमत 20,000 रूपया की। अखिलेश शर्मा के साथ सहारा न्यूज ब्यूरो बरेली।